लेकिन केंद्र सरकार मानेगा तब ना। अरे तो हम लोग पहले ही से कहे हुए हम लोग बहुत तब ना, जो पहले से माना हुआ अभी वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करें। और लेकिन जो यहाँ पर है वो राज्य सरकार वाला है, तो उसके लिए तो हम लोग पहले बात आ गया था, लेकिन अभी तो सब बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे हम तो कहते ही रहते हैं जी कि केंद्र वाला चाहेगा तब ना मिलेगा, पहले दूसरा जो एयरपोर्ट का डिमांड है वो पूरा करे, तब ना यहाँ के एयरपोर्ट के लिए हम मांग करेंगे। हम तो समस्याओं का समाधान कर ही रहे हैं, हम तो बिहार के लोगों के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र चाहेगा तभी ना होगा। दरअसल ये सारे बोल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। आपको बताया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के बेतिया से की, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भागलपुर पहुँची है, जहाँ जब मीडिया कर्मियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखातिब होती है, उनसे सवाल पूछा जाता है भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर, तो वो कहते हैं कि हमारा तो मांग है ही, हम तो चाहते ही हैं कि यहाँ भी एयरपोर्ट बन जाए, लेकिन केंद्र वाला सुनेगा तब ना। केंद्र के हाथ में ये सारी चीजें हैं, पहले जो पहले की मांग है उसे पूरा कर ले, तब ना नया मांग करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, किस प्रकार वो केंद्र पर और इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं सीएम नीतीश कुमार की पूरी बातों के साथ। आप तो जानते ही है ना कि हम जो जिस तरह से यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए देखना और क्या प्रोग्रेस हुआ और क्या कोई और क्या जरूरत है, तो आप लोगों को तो मालूम ही, हम उसी के लिए आ रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। और यहाँ से तो मेरा बड़ा पौराणिक संबंध है ना जी, जब जेपी मूवमेंट पे हम लोग थे, समझ गए ना, तो हम तो जेल में यही न थे, तो हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा है, समझ गए, इसलिए यहाँ हम बराबर आते जाते रहे बहुत ज्यादा। तो आज तो मान लीजिए कि जो भी हो, पहले तो अनेक जगहों पर गए, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ नहीं जाते, और यहाँ भी और गंगा नदी के दूसरी तरफ भी सब जगह जाते हैं। आज तो एक कुछ जगह का देख करके और आज पूरी समीक्षा की है, तो इसमें जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, और यहाँ का तो सब दिन का ही प्रॉब्लम है ना, ये जो बरसापात जो होता है खास करके उसी समय, तो जो है गंगा नदी के किनारे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही, हम लोग हर साल देखने आते हैं, वही तो हमने फिर कहा कि जरा तेजी से हो जाए, लेकिन काम दोनों तरफ तो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी एयरपोर्ट की डिमांड है, लेकिन केंद्र सरकार मानेगा तब ना। अरे तो हम लोग पहले ही से कहे हुए हम लोग बहुत तब ना, जो पहले से माना हुआ अभी वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करें। और लेकिन जो यहाँ पर है वो राज्य सरकार वाला है, तो उसके लिए तो हम लोग पहले बात आ गया था, लेकिन अभी तो सब बंद है कि कुछ जगह पर प्राइवेट लोग चलाएंगे और छोटी गाड़ियों को, ये कुछ को प्लेन को चलाएंगे, छोटा प्लेन चलाएंगे, तो वो सब बात आई थी, सोच रहे थे कि कम से कम लोग आने जाने का रहेगा, लेकिन खैर ये तो ऐसी जगह है जहाँ बड़ा बन जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन वो तो अभी हम लोगों के हाथ में नहीं है। अब वो पहले जहाँ कह दिए हैं तय, वो मान ले पहले कर लेंगे, तभी ना कहीं और करेंगे। लालू जी लौट गए, स्वस्थ हो गए लालू जी, पता चला हमको तो दिल्ली हो गए, दिल्ली में वो तो पूछ ही लिए हैं कि कब, अभी दिल्ली रहेंगे। सर आप अपने यात्रा की शुरुआत की, अब जीतन मांझी भी बोल रहे हैं कि मैं भी यात्रा पे निकलूंगा, प्रशांत किशोर उधर यात्रा पे निकले हुए, तो यात्राओं का ये तो सरकार का चीज है, कोई व्यक्तिगत कुछ कर, लेकिन मांझी जी कहते हैं कि हम नीतीश जी समाधान कर रहे हैं और हम समस्या जानने के लिए जाएंगे और जो मेमोरेंडम आएगा हम नीतीश जी से मिलकर देंगे।